साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 का पुरस्कार वितरण नई दिल्ली में किया गया है। इस बार 20 लेखकों को यह पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों 2020 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जा चुका है, इसका वितरण हो चुका है और इसमें इस बार 20 लेखक जो हैं साहित्य के उनको यह पुरस्कार मिल चुका है। तो इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट जानकारी है इस जानकारी को देखते हैं क्योंकि यह करंट अफेयर्स से रिलेटेड है और यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि किसको किसको कौन कौन से साहित्य में कौन कौन से भाषाओं में यह पुरस्कार मिला है। तो सबसे पहले बात करते हैं वीरप्पा मोइली की और इनको कन्नड़ महाकाव्य श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम के लिए यह पुरस्कार मिल चुका है। तो नाम है वीरप्पा मोइली और इनको कन्नड़ महाकाव्य जिनका नाम है श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम, तो यह आपको याद रखना है। इसके बाद है अरुंधति सुब्रमण्यम और इनको अंग्रेजी काव्य व्हेन गॉड इज ए ट्रैवलर, यह इनका जो साहित्य है उसका नाम है व्हेन गॉड इज ए ट्रैवलर जो कि अंग्रेजी में है। तो इनके लिए अरुंधति सुब्रमण्यम को यह साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। अगले हैं हरीश मीनाक्षी और इनको गुजराती भाषा में यह पुरस्कार मिल चुका है। तो हरीश मीनाक्षी गुजराती साहित्य में है। अनामिका तो इनको हिंदी भाषा में यह पुरस्कार मिल चुका है। तो अनामिका हिंदी भाषा के साहित्य के लिए मिला है इनको। आर एस भास्कर, नाम है आर एस भास्कर और इनको कोंकणी भाषा के साहित्य में यह पुरस्कार मिला है। तो नाम आपको याद रखना है कोंकणी भाषा के लिए किसको मिला है, तो आर एस भास्कर को मिला है। रूपचंद हांसदा, इनको संताली भाषा के साहित्य के लिए मिला है। रूपचंद हांसदा जो कि झारखंड के हैं और इनको संताली भाषा साहित्य में यह पुरस्कार मिल चुका है, यानी कि साहित्य अकादमी 2020 का पुरस्कार। निखिलेश्वर जो कि नाम है और इनको तेलुगु भाषा साहित्य के लिए यह पुरस्कार मिल चुका है। तो तेलुगु भाषा साहित्य के लिए निखिलेश्वर नाम है, आपको याद रखना है, इनको यह साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 मिल चुका है। दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार में ही एक लघु कथा श्रेणी में कि इनको प्राइज मिला है ये भी देख लेते हैं। तो लघु कथा श्रेणी में अपूर्व कुमार सैकिया, यह नाम है अपूर्व कुमार सैकिया, इनको असमी भाषा में यह पुरस्कार मिला है। तो असमी भाषा के लिए अपूर्व कुमार सैकिया को मिला है। मरणोपरांत जो है धरणीधर ओवारी, तो धरणीधर ओवारी जो है नाम उनको बोडो भाषा के लिए बोडो भाषा साहित्य में यह पुरस्कार मिला है। कमलकांत झा, तो कमलकांत झा जिनको मैथिली भाषा के लिए यह पुरस्कार मिल चुका है, तो मैथिली के लिए कमलकांत झा को मिला है, आपको ये याद रखना है। इसके अलावा में हम बात करते हैं तो ज्ञान सिंह, तो ज्ञान सिंह को डोगरी भाषा साहित्य के लिए मिला है। और जेठो ललवानी जो कि सिंधी भाषा में इनको मिला है। तो ज्ञान सिंह और जेठो ललवानी जो हैं इनको नाटकों में यह साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 मिला है, तो आपको ये भी याद रखना है। जेठो ललवानी सिंधी भाषा साहित्य में और ज्ञान सिंह डोगरी, और ये दोनों नाटक वाले पुस्तक जो थे साहित्य थे उसमें इनको यह पुरस्कार मिला है। मणिशंकर मुखोपाध्याय और इनके जो पुस्तक का नाम है संस्मरण, और यह बंगाली साहित्य है यानी कि बंगाली भाषा साहित्य में यह इनको पुरस्कार मिला है। तो बंगाली के लिए या बंगाली भाषा साहित्य के लिए मणिशंकर मुखोपाध्याय को मिला है और इनका जो पुस्तक है जो साहित्य उसका नाम है संस्मरण। तो दोस्तों यहाँ पर विजेताओं को साल एक साल और एक एक लाख रुपये की पुरस्कार राशि वितरण की जा चुकी है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के लिए। तो एक साल और एक एक लाख रुपये की पुरस्कार यानी कि प्राइज राशि मिली है। दोस्तों इसके अलावा में अगला करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर LIC ने प्रगति ऐप लॉन्च किया है और यह जो ऐप है वह LIC के द्वारा अपने विकास अधिकारियों के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। और यह जो है जितने भी अपडेट होंगे जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसका अपडेट हर समय इस ऐप में किया जाता रहेगा। तो LIC के द्वारा जो ऐप लॉन्च करके दिया गया है वह है प्रगति, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है।
तो प्रगति ऐप LIC के द्वारा लॉन्च किया गया है। दोस्तों अब हम बात करें थोड़ा सा LIC के बारे में, तो LIC इंडिया जो है उसका पूरा नाम है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो यह इसका पूरा नाम है, आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है। इसको हिंदी में कहेंगे भारतीय जीवन बीमा निगम, तो भारतीय जीवन बीमा निगम या LIC। तो इसका जो स्थापना यानी कि स्टेब्लिश जो हुआ था वह 1 सितंबर 1956 यानी कि 1 सितंबर 1956 को इसका स्थापना किया गया था, और इसका जो हेडक्वार्टर है वह मुंबई में है, और इनके जो है अभी की वर्तमान चेयरपर्सन वह है MR कुमार। तो ये आपको याद रखना, इनका हेडक्वार्टर है मुंबई में और चेयरपर्सन है MR कुमार, और इसका जो इस्टेब्लिश हुआ था वह 1 सितंबर 1956 को हुआ था। तो ये इतनी सारी जानकारी आपको LIC के बारे में ध्यान में रखनी है, तो यह आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट, यह करंट अफेयर से रिलेटेड था तो मैंने आप लोगों को बता दिया।